हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जॉइनिंग सेंटेंस के बारे में। सो जॉइनिंग सेंटेंस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसका पार्ट वन, जिसमें मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोगों को बताए थे, उनके यूजेस थे उसमें, लिंक द ब्लैंक्स है इसमें, आपको इनके यूजेस फिल करने थे। बट आज का जो जॉइनिंग सेंटेंस का पेपर है, ये वीडियो है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए जॉइनिंग सेंटेंस का ये वीडियो प्रिपेयर किया है, स्पेशली सेकेंड ग्रेड के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में जॉइनिंग सेंटेंस टॉपिक लगा हुआ है। और आप लोगों की जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं, वेल, इसका जो प्रॉपर तरीका है जिस तरह से जॉइनिंग सेंटेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, आज के वीडियो में उसी पैटर्न पर बेस्ड है पूरा वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले ही आपको बता दूं, लास्ट जॉइनिंग सेंटेंस के जो भी स्कोरर हैं, जिन्होंने अपना स्कोर शेयर किया था, तो सभी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं ऑन माय कम्युनिटी टैब। मैंने वहाँ पर पोस्ट अपलोड की हुई है, सो आप चेकआउट कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने मार्क्स रहे और सभी स्टूडेंट्स के क्या क्या स्कोर रहा है, और आप अपना लेवल एनालिसिस कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। कुछ बेसिक रूल बता देती हूँ आज का पेपर सोल्व करने से पहले, बिकॉज़ थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपके लिए पूरा यूज़लेस हो जाएगा वीडियो अगर आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से कि पेपर को किस तरह से सोल्व करना है। सो देखिए, इस पेपर में आपके टोटल 16 स्टेटमेंट, यानी कि टोटल 16 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट है और आपके पास ऑप्शन मिलेंगे कनेक्टिव्स के, और आपको बताना है कि इनमें से किस कनेक्टिव का यूज़ करके इन्हें एक प्रॉपर सेंटेंस बनाया जा सकता है। सो देखिए, फॉर एग्जांपल, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज़ काइंड, एंड इसका स्टेटमेंट टू है शी इज़ क्रियल। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर वन में। उसके बाद आपको मिलते हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन मिले हैं, तीन कंजक्शन दिए हैं, वेयर इज, बट एंड वाइल। इन तीनों कंजक्शंस में से पॉसिबल है कि आप तीनों का यूज़ करके भी, या यूज़ करके भी इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। इनमें से किसी एक का भी किया जा सकता है, किसी दो कंजक्शन का यूज़ करके भी किया जा सकता है, तो आपको ये बताना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये दोनों सेंटेंस ही इज़ काइंड एंड शी इज़ क्रूअल, ये फर्स्ट कंजक्शन के साथ जोड़े जा सकते हैं, तो आप लिखेंगे ऑप्शन ए। अगर आप बट के साथ इसे जोड़ सकते हैं केवल, तो आप ऑप्शन बी पर जाएंगे। अगर आप सी वाइल के साथ इसे जोड़ सकते हैं, तो आप ऑप्शन सी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये दोनों सेंटेंस को इन तीनों ही कंजक्शन के साथ में जोड़ा जा सकता है, तो आप ऑप्शन डी पर आएंगे, जो कि ऑल लगा हुआ है। सो इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं, तो किन कंजक्शन से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस कंजक्शन का यूज़ किस प्रकार के सेंटेंस में किया जा सकता है। ये पता करने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरा डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। लिंकिंग डिवाइस के वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने बताया है कि किस कंजक्शन का यूज़ किस कैटेगरी के लिए किया जा सकता है, यानी कि ये सभी कंजक्शंस हैं, बहुत सारे कंजक्शंस हैं इंग्लिश में। सो सभी कंजक्शंस की मैंने कैटेगरीज वाइज उन्हें डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस पूरे वीडियो को सोल्व करने का, जो आज का वीडियो है। ओके, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का बता देती हूँ आंसर। वैसे मैं सभी का आंसर आपको साथ ही बताऊंगी, लेकिन आपको डिटेल से मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए, फर्स्ट में आपके आंसर है ऑप्शन डी, ऑल, मैं आपको बताना भूल गई थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप तीन कंजेशन आपको मिले हुए थे, वेयर इज, बट एंड वाइल। आप तीनों ही कंजक्शन का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, तीनों ही कंट्राडिक्शन को शो कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस में जो एक्सप्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। तो आप इन तीनों का यूज़ करके इसे एक प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हैं। सो फर्स्ट का है ही इज़ काइंड, वेयर इज शी इज़ क्रूअल। ही इज़ काइंड बट शी इज़ क्रूअल। ही इज़ काइंड वाइल शी ही इज़ काइंड वाइल शी इज़ क्रूअल। तो तीनों ही कंजक्शन का यूज़ किया जा सकता है इस सेंटेंस में। इस तरह से आपको मैं सभी स्टेटमेंट, सभी क्वेश्चंस का डिटेल से भी आपको वीडियो क्लास में दे दूंगी, और आपको क्वेश्चन का आंसर मैं हैंड टू हैंड बता दूंगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आपको हाई होप की अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व करना है। नाउ हम पेपर पर आते हैं।
सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ही इज काइंड एंड शी इज क्रूअल। इसे हम तीनों ही कंजेशन के साथ जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेटमेंट टू। इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्राइव एंड इसका स्टेटमेंट टू है इट इज़ फॉगी आउटसाइड। सो यहाँ पर आप ये दो स्टेटमेंट हैं इन्हें केवल आप फोर कंजेशन का यूज़ करके ही जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली टू, ऑप्शन बी। सो ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री। इट इज़ कॉल्ड आउटसाइड, आई विल वियर अ जैकेट। सो ये दोनों स्टेटमेंट है, आपको बताना है किस कंजेशन के साथ इन्हें जोड़ सकते हैं। कंजेशन है आपके फोर, सो, फोर एंड हावेवर। तो तीन ऑप्शन है आपके, ओनली चार ऑप्शन है आपके साथ। सो आपको ये स्टेटमेंट है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ पुनः, इसे केवल आप फ्रेंड मैं उसका आंसर बता रही हूँ, ओनली सो के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली वन। रिजल्ट को शो कर रहा है यहाँ, स्टेटमेंट फोर है वी कैन ट्रेवल बाय बस और इसका स्टेटमेंट टू है वी कैन ट्रेवल बाय कार। सो ये दोनों ही सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं एज वेल एज और आइदर और के साथ में, क्योंकि यह टेक कॉन्ट्राडिक्शनल कंजक्शन है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप कॉरिलेटिव कंजक्शन एज वेल एज और आइदर और के साथ इसे जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली बोथ ए एंड थ्री, वन और थ्री के साथ आप जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वी कैन ट्रेवल बाई बस और एज वेल एज बाई कार, या हम इसे लिख सकते हैं इधर वी कैन ट्रेवल बाई बस और बाई कार। ऑल राइट, अब आई थिंक आपको अब अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि किस तरह से इन्हें बनाना है। एक दो में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो, लेकिन आप वापस से क्वेश्चन वन पर जाकर वापस से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव। शी वॉज फाइंड शी वॉज वे सेंट टू पुलिस कस्टडी, कि वो उस पर जुर्म था, जुर्माना था, इसलिए उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया। तो ये दो स्टेटमेंट है, इनको आप जोड़ सकते हैं यट एंड और सिंस। तो इन तीनों का यूज़ करके आपको इसे जोड़ना है। सो इसका इसे केवल आप एंड की सहायता से ही जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली वन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सिक्स। वी वर इन द सेम पार्टी वी डिड नॉट टॉक। इसे आपको जोड़ना है इवन दो या यट, इधर और एंड बिकॉज। इधर और के बीच में आप हाइपन यूज कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर आप ये कॉन्ट्राडिक्शनल शो कर रहा है, विरोधाभासी सेंटेंस है। सो यहाँ पर आप इसे जोड़ सकते हैं इवन दो और यट के साथ, यानी कि ओनली वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेटमेंट नंबर सेवन। ही लाइक्स हर एंड शी हेट्स हिम। यहाँ दो सेंटेंस हैं, इसे आपको जोड़ना है बट, बिकॉज और सिंस के साथ, एंड आप इसे केवल वही अगेन ये भी कॉन्ट्राडिक्शन का सेंटेंस है, इसे आप बट से ही जोड़ सकते हैं, इसलिए ओनली वन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एट। द डॉग इज लार्जर द फॉक्स इज स्मॉलर। ये दो स्टेटमेंट है, इन्हें आपको जोड़ना है एज वाइल एंड वेयर एज के साथ। एंड ओके, ये स्टेटमेंट है और इसके ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या बोथ, ओनली बोथ सेकेंड एंड थर्ड। सो वाइल और वेयर एज दोनों के साथ आप इसे ही जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट डे माई फोन वॉज रिंगिंग आई वॉज ड्राइविंग ड्राइविंग। सो देखिए यहाँ पर जोड़ना है इफ बट और वाइल से, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को केवल वाइल से ही जोड़ सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको आफ्टर, बिफोर, वाइल, वैन इन सब के यूजेस बताए थे, जब मैंने आपको टेंस का पार्ट कवर करवाया था तब। सो वाइल के साथ दोनों में ही पास कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। सो वाइल इसमें आएगा, इसलिए ओनली सी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 10, द टीचर वॉज लाउड, द टीचर वॉज अनक्लीन। यहाँ आपको कनेक्टिव्स मिले हैं ऑप्शन वन में बट, ऑप्शन बी है डेट एंड ऑप्शन थ्री में आपको है एल्स। सो इन तीनों में से आपको देखना है। सो देखिए ये जो स्टेटमेंट है टीचर वॉज लाउड एंड टीचर वॉज अनक्लीन, इससे आप केवल बट से ही कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली वन, यानी कि ओनली बट का ही आप इसमें यूज करके इसे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है टॉम इज एम्बिशियस एंड हिज ब्रदर इज क्वाइट द रिजर्व। सो यहाँ पर कंजक्शन है सिंस, इधर और एंड वेयर इज। सो देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसे केवल आप वेयर इज से ही कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन ए में तो सभी दिए हुए हैं एंड ऑप्शन बी में भी नहीं, एंड ऑप्शन डी है जिसमें आपको ओनली ऑप्शन थ्री मिला है। सो आप इसे वेयर इज ही कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट विन, ये जो स्टेटमेंट है वेदर और अदरवाइज, एंड थर्ड पर है आपको नो सूनर देन। सो नो सूनर देन एंड अदरवाइज से आप इसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, सॉरी आप इसे नो सूनर देन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, केवल आप इसमें यूज कर सकते हैं अदरवाइज एंड वेयर इज का, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 13, माई फादर हार्डली रिसीव एनी फॉर्मल एजुकेशन एंड ही वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेट लीडर। सो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, देखिए कि स्टेटमेंट में क्या भाव एक्सप्रेस हो रहा है, उस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर कंजक्शन का यूज करना है। सो कंजक्शन है हमारे पास हु, डेट एंड विच एवर। सो देखिए इसे केवल आप कंजक्शन हु से हु से ही कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा आपके ए में तो सभी दिए हुए हैं, बी में ये दिया हुआ है, सी में ये, ऑप्शन डी में भी नहीं, ऑप्शन ई में आपको यहाँ पर कंप्लीट मिला है, हूँ कनेक्ट से ही से जोड़ सकते हैं। सो ई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 14, वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसका टू है वी आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। सो देखिए ये जो कंजक्शन है इसे केवल आप ऑल्दो से ही कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इसमें आपको ए मिला है ओनली वन। नेक्स्ट है 15 पे, लास्ट सेकेंड लास्ट है ये, द टीचर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, एंड स्टेटमेंट टू है द हेडमास्टर वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग। सो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही डिफरेंस है, यहाँ पर आपके होल पार्ट नहीं है सेंटेंस का, वो देखिए अभी तक हमने सेंटेंस में देखा था वर्ब तक हमें बिल्कुल सिमिलियर मिलता था और हमें बाद में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंजेस आपको सब्जेक्ट में ही देखने को मिल रहे हैं। सो इसे कनेक्ट करना है आपको वाइल एज वेल एज और इवन दो। सो देखिए इस कंजक्शन को केवल आप और एज वेल एज से ही कनेक्ट कर सकते हैं, सो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट और लास्ट है 16 स्टेटमेंट, अना हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, मेरी हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। सो देखिए अना हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी एंड मैरी हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है हावेवर एज वेल इज नॉट ओनली बट आल्सो। सो यहाँ हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का, इसका यूजेस कहाँ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कहाँ किया जाता है, इसके यूजेस मैंने आपको बताए हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे कंप्लीट 16 स्टेटमेंट, अब हम सभी स्टेटमेंट का आंसर सॉल्यूशन देख लेते हैं विद सेंटेंस। वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया है, बस मैं आपको सिर्फ वो शो करूंगी और आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत महसूस होती है।
जिन्हें समझ में नहीं आया है उन्हें क्लियर हो जाएगा। और तो देखिए ऑप्शन वन का डी ऑप्शन था, उसमें आप सभी कनेक्टिव्स का यूज़ कर सकते थे। ऑप्शन बी में जो सेंटेंस था उसमें आप फोर का यूज़ करके आपको बनाना था, तो आप लोग देखिए फोर का यूज़ करके कैसे कंजक्शन जुड़े हैं। एंड थ्री में हमने सो का यूज़ किया था और दोनों को हमने जोड़ दिया है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर हमें वी कैन ट्रेवल इस वर्ड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी और हमने इज वेल एज से यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया है। तो हमें जब भी हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें वापस से सेम चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सिक्स के बाद फिफ्थ का हमारा है एंड से कनेक्टेड है और दोनों ही में ही सब्जेक्ट सेम था इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं किया है। सो कंजक्शन में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। एक आपको मिला था इवन दो और येट का, आपने ऑल दो येट का पढ़ा था, इवन दो और येट का नहीं था। इवन दो और येट ये जब आपके पेयर में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको पेयर में मिलते हैं ऑल दो या येट तो ऑल दो का आप प्रारंभ में करेंगे और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस के अंत में और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत के बीच में आपको एंड का प्रयोग कर येट का प्रयोग करना होता है। सो ये ऑल दो येट, दो येट, इवन दो येट, इनमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो फ्रेंड हमारे पास स्टेटमेंट था वी वर इन द सेम पार्टी और वी डिड नॉट टॉक, दो स्टेटमेंट थे ये, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कन्फ्यूज़न होगा होगा आपको। एक स्टेटमेंट वन ये था और एक स्टेटमेंट टू था आपके वी डिड नॉट टॉक। सो हमने क्या किया, ऑल दो को फर्स्ट में लगा क्योंकि ये हमेशा घटना के साथ आता है एंड येट का हमने दूसरे वाक्य की शुरुआत से पहले इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड सेवन एट और इनके तो आंसर्स मैंने डाल दिए हैं। देखिए ये डिफरेंट था, टॉम इज एम्बिशियस और हिज ब्रदर इज क्वाइट रिजर्व, यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट डिफरेंट थे इसलिए हमने दोनों का पूरा सेंटेंस लिया है और दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट था। यहाँ पर एम्बिशियस है और यहाँ पर रिजर्व नेचर है, एंड यहाँ पर भी सब्जेक्ट चेंज था और यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज था इसलिए हमने दोनों ही सब्जेक्ट दोनों ही स्टेटमेंट को पूरा लिखा है। सो यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ओके, अब आपके क्लियर हो गया होगा एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। अब ये 12 का है, 13 में आप देख लीजिए, एंड 14, 15 एंड लास्ट हमारा 16। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो 16 स्टेटमेंट थे जॉइनिंग सेंटेंस के, 16 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अब आपको बताना है कि आपकी कितना स्कोर रहा, आपके चाहे आपके 1 मार्क्स आ रहा है, आपके 10 आ रहा है, 5 आ रहा है, 16 आ रहा है, 10, 11 आ रहा है, 15 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आप जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और अपने प्रीवियस स्कोर देखना ना भूलिएगा ऑन माई कम्युनिटी टैब। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो गुड लक एंड गुड बाय, कीप वॉचिंग नॉलेज प्लेनेट इंडिया, और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड।